बड़ खबर संपादक अर्धेन्दु दास नारे ठके अभियोग अर्धेन्दु दास नारे 92,47,070 टंकर ठके अभियोग होइछि। दिल्ली रो सॉल्यूशन ब्रॉडकास्ट प्रोप्राइटर गगनदीप सिंह चावला एने क्राइम ब्रांच अर्थनैतिक अपराध शाखा बा ईओडब्ल्यू रे अभियोग करछन्ति। अभियोग को आधार करी ईओडब्ल्यू गत 23 तारीख रे एक मामला रुजू करी तदंत आरंभ करछि। अभियोग मुताबक बड़गड़ टंकपाणी रे एक ओडिया टीवी चैनल प्रतिष्ठा करने 2020 मसीह रे तांको सह अर्धेन्दु जोगाजोग करथिले। वैद्युतिक यंत्रांश जोगाई देबा पई 47,070 टंकार चुक्ति होइतला। एथिपे अग्रिम बाबद को अर्धेन्दु तांको 1,00,000 टंका मध्य देथिले। तबे 2020 अक्टोबर 21 परठारु गगनदीप का संस्था वीएल कार्गो जरिया रे निर्धारित टंकार वैद्युतिक यंत्रांश पठा जाइतला। 6 मास मध्य बाकी 92,47,070 टंका पैठ करने को निष्पत्ति होता किंतु जंत्रांश लगे अर्धेन्दु आउ टंका दे नथिले। 20 मास बीतवा पर गगनदीप बाध्य ईओडब्ल्यूर द्वारस्थ होते। यह पूर्व हाजर होगा दुईथर नोटिस करता ईओडब्ल्यू हेले से हाजर हो नथिले। आज भोरु बासभवन चढ़ाऊ करता ईओडब्ल्यू चढ़ाऊ बेले से घरे नथिले। से फेरार ईओडब्ल्यू पक्ष सूचना रही। अधिक आलोचना करिबा अरुण साहू आम सहित जोड़ी होती। अरुण ए संपर्क कौन विस्तृत आलोचना है बा ए संपर्क कौन अपडेट मिलुची? संपादक अरुण दास नाम प्राय 1 कोटी टंकार ठके अभियोग होती। दिल्ली रो सॉल्यूशन ब्रॉडकास्टर प्रोपराइटर जे ओनर जे अच्छा गगनदीप सिंह चावला एने क्राइम ब्रांच अर्थनैतिक अपराध शाखा अभियोग करते। अभियोग पर ईओडब्ल्यू जारी गत 23 तारीख एक मामला रुजु कर मामला रुजु कला खबर बाबद ठके अभियोग बाबद जानापी जहाँ कि दुई दुई थर नोटिस कर नोटिस करने सत्वे सी ईओडब्ल्यू रे हाजर हो नथिले। ईओडब्ल्यू नोटिस को जहाँकि सी अवमानना करते तो देखाखी करते अवमानना करने आज जहाँकि सका सका बासभवन में ईओडब्ल्यू तदंत करी अधिकारी टीम को लेकर जाकि सर्च करते सर्च कला बेले सी अरुण दास घर नथिले से कड़े फेरार हो जाता कथा जहाँकि ईओडब्ल्यू पक्ष सूचना दि जाएगी। तो जहाँकि चावला जो अभियोग रही जो अभियोगकारी तो अभियोगकारी अभियोग आधार में जहाँकि टंकपाणी अंचल गोटे टीवी चैनल प्रतिष्ठा करने जहाँकि 2020 मसीह अरुण दास सहित से जोजोग करते जहाँकि किसी इलेक्ट्रिकल जो वैद्युतिक जंत्रांश जोगापी पाखापाखी 47,000 टकर गोटे चुक्ति होता किसी आडभांस जहाँकि अरुण दास देते जहाँकि 1,00,000 टंका देते। परवर्त समय 2020 अक्टोबर 21 पर ठार जो चावला संस्था ये जरिया निर्धारित टकर जंत्रांश पठे खेली चलते कि मध्य बाकी टंका जेहेतु पैठ कर टंका मांगला कौन प्रकार टंका से दे नथिले जहाँ फल भुवनेश्वर आसी ईओडब्ल्यू रे अभियोग करते। अभियोग आधार में बर्तमान जहाँकि ईओडब्ल्यू मामला रुजु कर टंका जेहेतु सी देना पाखापाखि 20 मास बीतीगला 20 मास बीतीगला पर भी से टंका पाइपार ना से बड़े से अभियोग कर अभियोग आधार में ईओडब्ल्यू खोलताड़ आरंभ करती नोटिस नोटिस को मैं से एकाती करवानना करा दे ना कथा जहाँकि ईओडब्ल्यू पक्ष सूचना दी जाए। अरुण जो बासभवन में पहुंची ईओडब्ल्यू संस्था से फेरार अच्छा कि परवर्त प्रक्रिया कौन हम संस्था अर्थात से जो संस्था कर संस्था में चढ़ाव कि डॉक्यूमेंट हस्तगत होता बासभवन जो चढ़ाव हो देखो जे ओनर जे गगनदीप सिंह जिते बे अभियोग कर अभियोग आधार में सहित कौन चिट्ठी कौन लेखा होता कागज पत्र होता केत डील होता सामग्री देवा बाबद से सबूर से तथ्य दस्तावेज ईओडब्ल्यू को हस्तांतर कर सारी आधार जिते पुलिस ईओडब्ल्यू मामला रुजु कर मामला रुजु कला जहाँकि नोटिस कर बाबद जाना कि जेहतु नोटिस को अवमानना करखातिर कर टीम चढ़ाव कर चढ़ाव बेले भी सी नथिले घरे तो निहाती भाव में परवर्त समय ऑफिस परवर्त समय लोकेशन को ट्रैक करेंगे सी कौट अच्छा कहीं से नोटिस करने सत्ते कहीं आसुना जदि से टाइम कौन से भितर स्थिति किसी भूल भटका होता बुझाणा होता तो सी आसी निजर तथ्य रखी पारे जेहेतु गोटे पक्ष बर्तमान कहूँगी कि टंका नहीं फेरा ना दीथर तक नोटिस कर से हाजर होना आज फेरार अच्छा आ परवर्त पदक्षेप स्टेप कौन हो पारे ईओडब्ल्यू तरफ देखो बर्तमान ईओडब्ल्यू जिते घर सर्च करते छोड़ा कर सी नथिले तो परवर्त समय ऑफिस पुलिस जांच कर सर्च ऑपरेशन करदी सी ईओडब्ल्यू को सहयोग न करेंगे
ତାହେଲେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ହୋଇପାରେ, ଆକ୍ସନ ନେଇପାରେ ୟୁଡବ୍ଲୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ, ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିଲେ କି ୟୁଡବ୍ଲୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି, ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି, ଯାହା ବି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ସେ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ୟୁଡବ୍ଲୁ କୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ନୋଟିସକୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ସେ ଠକେଇ କରିଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ୟୁଡବ୍ଲୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ, ୟୁଡବ୍ଲୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଚରା କରିବ, ସେ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ପ୍ରକୃତରେ ଗଗନଦୀପ ମୋ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅରୁଣ, ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଗୋଟେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରେ ୟୁଡବ୍ଲୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଜି ଭୋରୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ନଥିଲେ, ସେ ଫେରାର ହୋଇଥିବା କଥା ୟୁଡବ୍ଲୁ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।